कोई मुझे नहीं बताएगा, लेकिन आप तो बता सकते हैं, प्लीज प्लीज दा। जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है ना, वो एक बार सोच ले। बस बस यही रोक दीजिए। टैक्सी घर से दूर रुकवाना जरूरी था। अगर घर के पास रुकवाती तो शायद गार्ड्स अलर्ट हो जाते। थोड़ा चल कर जाना होगा, पर मुझे अब इनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही आलिया ना पुलिस। मुझे बिना किसी की नजर में आए घर के अंदर जाना ही है। बस गेट खोलो। याद है ना, मुझे खुशी उसके मरने के बाद ही मिलेगी। वैसे तो तुझे काम पूरा होने के बाद मिलना था, पर मुझसे रहा नहीं गया। जा, जाकर अपना अधूरा काम पूरा कर। और सुन, काम पूरा हो जाना चाहिए। इतना टाइम भी मत लगाना कि मुझे नींद आ जाए। आपको आपकी खुशखबरी जल्दी ही मिल जाएगी बॉस। इलायची खाया कर, मैं ला रही हूँ मुँह से। और सुन, तोड़ के उस तरफ मिलूंगा मैं। वापस आएगा तो ड्राइविंग सीट पर बैठना और गाड़ी जल्दी से निकालना। ओके बॉस। चल। अभिषेक प्रेम मेहरा, जितना टाइम तुझसे बदला लेने में लगाया है ना, उतना ही इंतजार तेरे मरने का भी किया है। बस एक बार मेरे आदमी के हाथ आ गया ना, तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू। इतनी सिक्योरिटी? इतनी सिक्योरिटी का मतलब है अभिषेक मेरा जिंदा है। लगता है इन्हें पता चल चुका है कि उसकी जान खतरे में है, तभी इतने लोग लगाए हैं उसे बचाने में। लेकिन कोई फायदा नहीं है, उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वही तो है यहाँ। कौन है? तो कोई भी नहीं है, उधर देखो। यही तो आया था यार, कहाँ गया? यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। ये तो वही आदमी है जो जीप में था। तब उसके पीछे भागेंगे तो गेट कौन संभालेगा?
लगता है कोई चोर था, पर हमने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसे नहीं पता था कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, पर सबको अलर्ट देखा तो भाग गया। Are you sure कि कोई आदमी ही था? Yes, ma'am, वो एक आदमी ही था। अगर आदमी था तो बहुत बुरी न्यूज है। और मतलब काम हो गया। बॉस गेट खोलिए। क्या हुआ, इतना हाफ रहा है? बॉस मुझे लगता है उनको मेरे बारे में पहले ही पता था। वो टाइट सिक्योरिटी थी, मैं अंदर नहीं जा पाया। मुझे लगता है अब तक तो शायद पुलिस भी आ गई होगी। और नो, मेहरा की बीबी। निकल मैंने कहा बाहर निकल, बाहर निकल। बुरी खबर क्या? प्रज्ञा वापस आ गई है, वो घर में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम श्योर कैसे हो सकती हो? इन्होंने तो कहा ना कि वो कोई औरत नहीं आदमी था। आदमी से ध्यान भटकाने के लिए था मिताली भाभी, ताकि गाज उसके पीछे भागे और प्रज्ञा अंदर आ जाए। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने इन पे गोली चलाने की हिम्मत कैसे की? शकल दिखा, शकल दिखा, अपनी शकल दिखा। ये लोग यहाँ थे, मतलब इनकी जान अभी भी खतरे में है। अच्छा हुआ कि तुम उस आदमी के पीछे नहीं गए, क्योंकि जरूरी था गेट संभालना। अगर प्रज्ञा अंदर आ जाती ना, तो तुम जानती ना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती। नाउ कीप अ वॉच, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैम। मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता आलिया, न तुम न तुम्हारी सिक्योरिटी, सब यही है। पीछे की तरफ से जाती हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। वो प्रज्ञा है, वो नीचे गिर सकती है लेकिन हार नहीं मान सकती। मुझे डर लग रहा है कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए। प्लीज अंदर चलो ना, प्लीज, मुझे ठंड भी लग रही है। प्लीज चलो अंदर। हाँ हाँ प्लीज अंदर चलते हैं। हाँ ध्यान रखना। हाँ चल। बस उस खिड़की तक पहुंच जाऊं तो फर्स्ट फ्लोर तक भी पहुंच जाऊंगी, जहां से उनके रूम तक जाना आसान हो जाएगा। पर वहां तक जाऊं कैसे? एक काम कर सकती हूँ, मीरा और इनकी शादी के लिए इतनी डेकोरेशन हुई थी, कहीं ना कहीं कोई सीढ़ी जरूर होगी जिससे मैं, मुझे पता है वो सब सामान कहाँ रखा होगा, उस तरफ होगी सीढ़ी। चली गई और उसने चाकू से मेरे नाक कान काट दिए। तो मुझे
रिस्क नहीं लेना। आलिया बोलती है पूरा घर संभालती है, तो ये भी संभाल है। उसे बुलाऊंगी। आलिया, आलिया। क्या है? सुनो। पता नहीं कौन सी नई टेंशन देने वाली है आप। कौन है? वो गॉड जी, ये घर तो भूत बंगला बन गया। कोई तो है भूत। आलिया, आलिया, कोई है? आलिया, 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 गॉड जी नीचे कोई है, जल्दी चले चले भाभी, वहाँ कोई है, तुम आओ इधर। चलो ना, चलो आलिया, देखो। अरे कोई है वहाँ पर। एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ। अरे बात बात में करना, पहले सिक्योरिटी को बुलाओ। वहाँ पर कोई है, मैंने आवाज सुनी थी। ये नहीं बुलाने वाली सिक्योरिटी को, मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिक्योरिटी, ओ गॉड, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया था मैंने, किसी की हिम्मत रख गया। पर मुझे कोई दिखा नहीं, ढूंढिया। हेलो पुलिस स्टेशन, आप प्लीज यहाँ पर मेहराज में आ जाइए। हाँ, वो वापस आ गई है। दरवाजा मत खोलना प्रज्ञा, मैंने कहा दरवाजा मत खोलना। ले, नहीं मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं यार, नहीं यार, नहीं। मैंने कहा नहीं। कमरा ऐसा क्यों है? बाहर ले जाओ, सुनिए, बाहर ले जाओ। कहाँ है आप? आलिया, ये कमरा ऐसा क्यों है? तुम्हें क्यों लॉक करके रखा उन्हें? आलिया मुझे बताओ, उन्हें क्या हुआ है कि कमरे की हालत ऐसी क्यों? चलो। नहीं नहीं नहीं, आलिया प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। आलिया प्लीज 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 मुझे बताओ उन्हें क्या हुआ है। प्लीज आलिया, आलिया प्लीज प्लीज, क्यों है उनकी कमरे की हालत ऐसी? प्लीज प्लीज आलिया ऐसे मत करो। छोड़ो ना मम्मी जी, पुलिस आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। नहीं 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 नहीं, ताई जी, ताई जी प्लीज 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 प्लीज, ताई जी मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ। प्लीज, मैं हाथ जोड़े आ गया आपके, प्लीज एक बार मिलने दीजिए। प्लीज प्लीज भाभी, मैं माफी मांगती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है आज तक, जितनी गलती हुई है, मैं माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे बता दीजिए उन्हें क्या हुआ है। आप ही हिम्मत देंगे, आप प्लीज एक बार तो मिलवा दीजिए। क्या हो गया आप सबको? सबके सब चुप क्यों खड़े? मेरे पति के साथ गलत हो रहा है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप मेरी बात को यकीन कीजिए। ये लोग आपसे छुपा रहे हैं, मेरे पति की जान खतरे में है। Enough! बस बहुत हो गया, अब कोई बोलेगा तो सिर्फ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
ले जाइए इसे यहाँ से प्लीज। नहीं चलो इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये लोग सब कुछ मुझे इस घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि ये लोग सब मिलके कुछ बहुत जरूरी बात छुपा रहे हैं। आप सोचिए, घर में इतना हंगामा हो रहा है, वो बाहर आके देख क्यों नहीं रहे? आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? मैं कह रही हूँ ना, यहाँ ये लोग कोई बात छुपा रहे हैं। मेरे पति क्या, मेरे पति ठीक नहीं है, ये लोग कुछ छुपा रहे, कुछ गलत कर रहे हैं मेरे पति के साथ। चलो मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इन लोगों से ज्यादा हक है मेरा इस घर पे। एग्जैक्टली। अब तुमने बोला ना, तुम किस लिए आए थे? अब सही कहा, ये अपने पति के लिए यहाँ पर नहीं आई है, ये आई है तो प्रॉपर्टी के लिए, अपने हक के लिए। इसे मेरा परिवार के एसेट से प्यार है, अपने पति से कोई लगाव नहीं है इसे। मुझे इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता ना, ले चुकी होती, अब तक किराए के घर में नहीं रह रही होती। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रही हो, लेकिन याद रखो, सच जाने बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं जाऊंगी मैं। जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि तुम मेरे पति के साथ कुछ भी गलत करती रहो। इंस्पेक्टर, इन लोगों ने आपको नहीं बताया मेरे पति की जान खतरे में, कोई उन्हें जान से मारना चाहता हो, ये लोग छुपा रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? जैसे तुम अपना पति कह रही हो ना, वो मेरे भाई है, मिताली भाभी के देवर है, ताई जी के बेटे जैसे, उन्हें हम हार्म करेंगे। अरे तुमसे ज्यादा फिक्र हमें उनकी। क्या फिक्र कर रही हो तुम उनकी, बताओ मुझे? मैंने उस किलर को बाहर देखा था इस घर के, जो उन्हें मारना चाहता है। और क्या फिक्र कर रही हो कि कमरे की ये हालत हो गई, बाहर से लॉक कर रखा है कमरा? तुम डरती हो कि कहीं मैं उनसे मिलूं तो मुझे सच का पता ना चल जाए। सच? कौन सा सच? अरे कितनी बार कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? निकल जाओ तुम यहाँ से। मैं बार बार कह चुकी हूँ, हर बार बोलूंगी कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। बहू हूँ मैं इस घर की, इस घर पे तुम सबसे ज्यादा मेरा हक है। मेरी गलती है कि आज तक वो हक जताया नहीं मैंने, लेकिन आज मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं मार सकता मेरा हक। वैसे ये सही कह रही है, अगर ये सच में इस घर की बहू है तो आप लोग इसके साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि ये आप लोगों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अब तक मुझे लग रहा था कि ये जबरदस्ती घुसकर इस घर में तमाशा कर रही है, सीन क्रिएट कर रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सीन तो क्रिएट आप लोग कर रहे हैं इसे घर से बाहर निकालने के लिए। आप सही कह रही हैं इंस्पेक्टर, मुझे अपने घर से बाहर निकाला जा रहा है, अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले एनजीओ वाले लेकर आई थी, उन्हें भी तुम्हारा डिवोर्स पेपर दिखाया था मैंने, जिसमें तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। कितनी बार बोलो, तुम्हारा मेरे भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आलिया, तुम शुरू से ये रिश्ता नहीं चाहती थी। जब तुम ये 25 साल में ये रिश्ता नहीं तोड़ पाई, तो एक मामूली सी कागज के टुकड़े से कैसे टूट जाएगा? स्टॉप इट। चिल्लाओ मत, तुम खुद जानती हो कि वो सिग्नेचर्स तुमने मुझसे कैसे लिए थे, और उनसे भी तुमने सिग्नेचर तब लिए जब वो बेहोश थे गुस्से में। स्टॉप इट प्रज्ञा। क्या? क्यों स्टॉप इट? पता लगने दो इन्हें। तुमने कहा था ना मुझसे कि वो प्रॉपर्टी पेपर्स है और तुम्हें सिग्नेचर्स इसलिए चाहिए ताकि मैं क्लेम ना कर सकूं, इसलिए प्रॉपर्टी में तुम इंटरेस्टेड हो, मैं नहीं। इंस्पेक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े उस पर साइन करेंगे? बताइए आप मुझे। मैं पुलिस में हूँ तो शायद ना करूँ, लेकिन एक आम इंसान ऐसा कर सकता है। पर प्रज्ञा तो टीचर है, एक टीचर बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता। क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को इसने किडनैप कर लिया है, और अगर मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए तो मुझे उन पेपर्स पे साइन करना होगा। फिर भी इसने मुझे कहा कि वो प्रॉपर्टी पेपर्स है, मुझे नहीं पता था कि वो डिवोर्स पेपर्स है। डिवोर्स पेपर्स से तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 3 दिन पहले मेरी और मेरे पति की शादी हुई है, जिसके गवाह ये सब है, इन सब ने देखा है, आप पूछिए इनसे। पूछने का क्या फायदा, इस पूरे घर ने झूठ बोलने की कसम खा रखी है। कोई गवाह है यहाँ पर? That's it. जब कोई गवाह ही नहीं है तो कोई केस भी नहीं है। इंस्पेक्टर, आप अपना मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसे यहाँ से ले जाइए, क्योंकि इसका इस घर से कोई लेना देना लेना देना है आलिया। और क्या लेना देना है ये मैं साबित कर सकती हूँ।
इंस्पेक्टर, हमारी शादी के वक्त कोई है जो वहां मौजूद था, मेरे पास गवाह है। कौन है? मीरा। इंस्पेक्टर, वो इसी घर में रहती है और वो हमारी शादी के वक्त मौजूद थी। उसने इनफैक्ट अपनी चुनरी दी थी मुझे शादी के लिए। मीरा, 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 मीरा नहीं है यहाँ पर, घर से जा चुकी है। केयर टेकर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो वो यहाँ पर नहीं है। कोई और गवाह है तुम्हारे पास तो बताओ।